हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स जॉइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्री की हमको जरूरत पड़ती है, तो जो भी काम यहाँ पर हम बोर्ड पर करेंगे उसको आपको अपने पेंसिल से करना है, अपने स्केल से करना है और अपने कंपास से करना है। हम यहाँ पर आपको आइडिया दे देंगे कि किस तरीके से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, लेकिन आपको हम एक बार रिव्यू करा देते हैं कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम में क्या था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये होता है हमारा बेस बी और ये होता है परपेंडिकुलर पी और ये होता है हाइपोटेन्यूस एच। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रूट टू को नंबर लाइन पर। इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं जीरो और एक यूनिट पर यहाँ पर वन, फिर सेम यूनिट पर यहाँ पर टू। अब इसके बाद देखिए कि रूट टू को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए और उसमें यहाँ पर ये हो जाए वन, ये हो जाए वन, तो ये कितना होगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकलता है, रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग सम कर देते हैं। यानी कि अगर बेस वन हो, परपेंडिकुलर वन हो, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर रूट टू होगा। तो सेम इसी फंडे को यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पर वन है, ये वन यूनिट, और सेम वन यूनिट यहाँ पर भी बना देते हैं। वन यूनिट आप ये कैसे ड्रा करेंगे, आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने आता होगा। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने नहीं आता है तो सबसे पहले आप उसको सीखेंगे। तो हमारा मेन फोकस है आपको ये समझाना कि आखिर रूट टू को कैसे ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना आप सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अब ये भी वन है और ये भी वन है, वन वन, तो जो यहाँ पर अब ये हाइपोटेनस बनेगा वो बनेगा रूट टू, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वही है रूट टू, स्क्वायर रूट टू। तो इसको अगर हम ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो ए बी ही रूट टू है, स्क्वायर रूट टू है। तो इसको अगर इस लाइन पर ड्रा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप कंपास रखेंगे और यहाँ से आप लेंथ को मेजर करके यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से आपको ऐसे आर्क लगा देना है, तो कुछ आर्क आपका कुछ ऐसे आएगा यहाँ से इस तरीके से। ऐसा करने से होगा क्या कि जो ये लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर इस लाइन पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वही स्क्वायर रूट टू है। तो इसको हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं सी, तो जो ए सी लेंथ है वही है स्क्वायर रूट टू, ए सी हो जाएगा स्क्वायर रूट टू। अब इसके बाद हम लोग ड्रा करेंगे स्क्वायर रूट थ्री को। तो इसके लिए एक फंडा याद रखिए कि अगर कभी भी आपको रूट एन ड्रा करना है तो आपको रूट एन माइनस वन पता होना चाहिए, ये नोन होना चाहिए, तभी आप रूट एन को ड्रा कर पाएंगे। अगर रूट एन माइनस वन आपको आता है ड्रा करने तो रूट एन आप ड्रा कर पाएंगे। एन माइनस वन का मतलब क्या है, जितना यहां पर होगा उससे एक कम वाला। जैसे कि अगर हमको स्क्वायर रूट थ्री ड्रा करना है तो हमको स्क्वायर रूट टू पता होना चाहिए। अब उसका यूज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर यहां पर ये स्क्वायर रूट टू हो और ये वन हो, तो ये कितना होगा, ये अपने आप स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट थ्री को लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है टू प्लस वन यानी कि रूट थ्री। तो मतलब तो वही हुआ, तो स्क्वायर रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और पूरे पर स्क्वायर रूट, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में भी। तो अगर एक साइड रूट टू है दूसरा साइड वन है तो हाइपोटेनस यहाँ पर स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा। तो सेम इसी फंडे का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका एक साइड हमको पता चल चुका है पहले ही कि स्क्वायर रूट टू है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर आपको रूट एन ड्रा करना है तो रूट एन माइनस वन पता होना चाहिए, यानी कि उससे कम वाला पता होना चाहिए। तो रूट थ्री के लिए हमको स्क्वायर रूट टू पता होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट टू हमको यहाँ पर पहले से पता चल चुका है कि ये स्क्वायर रूट टू होता है। अब ये स्क्वायर रूट टू है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने से फायदा क्या होगा, ये स्क्वायर रूट टू है और ये वन है, और एक साइड अगर स्क्वायर रूट टू है दूसरा वन है तो हाइपोटेनस यहाँ पर स्क्वायर रूट थ्री हो जाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा ये वाला, तो ये स्क्वायर रूट टू था और ये वन था, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर रूट थ्री। यानी कि अगर यहाँ पर एक नाम दे दिया जाए डी तो ए डी यहाँ पर स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, ए डी हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ से कंपास से इसको यहाँ पर आर्क लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट थ्री। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री, ये वाला पॉइंट अगर हम ले लें ए ई तो यहाँ पर ए डी कहिए चाहे ए ई कहिए वही हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री, ए डी या ए ई यही है हमारा स्क्वायर रूट थ्री। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट फोर स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर रूट सिक्स की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर रूट फोर है ये इरेशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट फोर को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस टू, और प्लस माइनस टू आप जानते हैं कि ये रेशनल नंबर होता है। तो अगर हमसे कहीं पर स्क्वायर रूट फोर ड्रा करने के लिए पूछा जाए तो हम लोग ये वाला तरीका थोड़ी ना अपनाएंगे। अब ये वाला तरीका से भी आ जाएगा लेकिन क्या फायदा है ऐसे करने का, स्क्वायर रूट फोर को हम लोग प्लस टू या माइनस टू लिख सकते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फोर के लिए हमको ये फंडा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट फाइव पर। तो स्क्वायर रूट फाइव को ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर रूट फाइव है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर होता है फोर और प्लस वन यानी कि फाइव। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, अगर यहाँ पर ये टू हो ये वन हो तो ये अपने आप रूट फाइव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट फाइव। और अगर हम स्क्वायर रूट सिक्स की बात करें तो इसके लिए हमको अगर ये पता है स्क्वायर रूट फाइव तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो अगर फाइव को ड्रा करना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक साइड टू होना चाहिए दूसरा साइड वन होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर हो गया जीरो, यहाँ पर हो गया वन, यहाँ पर हो गया टू, बराबर यूनिट पर इसको ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर टू हमको पता चल चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक टू है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वन यूनिट का। तो एक साइड हो गया यहाँ से यहाँ तक टू है और यहाँ से यहाँ तक वन है, तो ये वाला जब ड्रा करेंगे तो ये अपने आप स्क्वायर रूट फाइव हो जाएगा। एक टू है दूसरा वन है तो ये हाइपोटेनस जो आएगा वो स्क्वायर रूट फाइव आएगा। फिर यहाँ से आप आर्क लगा के यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर इसको ए बोल दें इसको बी बोल दें तो ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट फाइव, ए बी हो गया स्क्वायर रूट फाइव। अब स्क्वायर रूट सिक्स ड्रा करना है तो इसके लिए अगर एक साइड पता हो कि स्क्वायर रूट फाइव है दूसरा वन है तो ये अपने आप स्क्वायर रूट सिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड स्क्वायर रूट फाइव है दूसरा साइड वन है तो ये स्क्वायर रूट सिक्स हो गया। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट फाइव पहले से पता है तो यहाँ पर ये वन यूनिट का ड्रा कर लीजिए, ये वन यूनिट हो जाएगा, फिर इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट सिक्स। और यहाँ पर हम लोग आर्क लगाकर यहाँ पर पॉइंट अपना ले सकते हैं। तो यहाँ से ए अगर यहाँ पे ई बोल दिया जाए तो ए ई यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट सिक्स। तो फंडा सेम है, अगर आपको
रूट एन ड्रा करना है तो रूट एन माइनस वन पता होना चाहिए तभी आप ड्रा कर पाएंगे। तो कॉपी पे ड्रा करते समय आप कंपास, पेंसिल और स्केल का यूज जरूर करेंगे। हम आपको यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो अभी कर दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब।